नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास आधार कार्ड आपने बनाया है और आपका आधार कार्ड किसी कारण आपका खो गया है या फिर डैमेज हो गया या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपको आधार कार्ड नंबर आपका पता नहीं है, तो आप कैसे अपना आधार कार्ड नंबर जान सकते हैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ईजी प्रोसेस है। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, आप जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पे रिट्रीव आधार लिखा है, ऑप्शंस यहाँ पे लिखा है लॉस्ट योर आधार नंबर, रिट्रीव इट हियर ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल। सो आप यहाँ से आपका जो है आधार नंबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब इस पेज पे आने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा, कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ओपन आपका क्रोम ब्राउजर, और वहाँ पे देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, और वहाँ पे आपको टाइप करना होगा UIDAI.gov.in। ये इतना ही टाइप करने के बाद आपको एंटर मारना होगा। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जो लैंग्वेज आपको समझ में, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, यहाँ पे अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेज दिया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे इस तरीके का पेज खुल जाएगा। इस ऐड को बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बता रहा है कि जिसका बहुत पुराना हो गया है आधार कार्ड, काफ़ी दिन बना के डॉक्यूमेंट्स अगर अपडेट नहीं किए हैं, तो यहाँ अभी गवर्नमेंट ने फ्री किया है, तो ये जाके आप अपडेट करा लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने फ्री किया है। तो चलिए इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे गए, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको आधार सर्विस। तो आधार सर्विस में यहाँ आपको कहीं नहीं क्लिक करना, यहाँ पे आप क्लिक करिए आधार सर्विस पे। ये क्लिक करने के बाद फिर से आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आधार रिट्रीव वाला ऑप्शन। यहाँ पे आधार रिट्रीव वाला ऑप्शन जो दिखता है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है या फिर एनरोलमेंट आईडी। तो हमें एनरोलमेंट आईडी नहीं पता करना है। अगर आप एनरोलमेंट आईडी पता करना चाहते हैं तो एनरोलमेंट आईडी भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, और आधार नंबर चाहें तो आधार नंबर। एनरोलमेंट आईडी अगर आप निकालते हैं तो आप फिर से मतलब वो भी आपको यूज में आएगा। तो चलिए, हमें आधार नंबर निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे आपको आधार नंबर पता नहीं है, तो यहाँ पे जो आधार नंबर पे जैसा नाम था वैसा ही सेम नाम यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों में से कोई भी एक रजिस्टर है, आप उस दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका जो है आधार नंबर थोड़ा आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आता है, मतलब तुरंत भी आ सकता है या फिर 2-3 घंटे बाद भी आ सकता है मैसेज, क्योंकि मैसेज सर्वर बेस पर रहता है, वो जल्दी तुरंत नहीं आ जाता है। और अगर आप ईमेल आईडी डालते हैं तो ईमेल आईडी में आपको तुरंत विदिन 2 to 3 मिनट्स में आपको आपके आधार नंबर आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, उसके बाद एक बार मोबाइल नंबर डाल के ट्राई करता हूँ, एक बार ईमेल डाल के, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा लेटर, यहाँ पे सेंड ओटीपी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मेरा नाम यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है एज पर जो मेरा आधार पे नाम है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी, दो ऑप्शन दिया है, दोनों में से कोई एक ही आपको यूज करना है। आपको जो भी आपने रजिस्टर किया है, जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, उसी पे आपका ओटीपी जाएगा। तो मेक श्योर आपका जो है आधार नंबर, आधार का जो मोबाइल नंबर है वो या फिर ईमेल आईडी, दोनों एक्टिव होने चाहिए, ताकि आपको ओटीपी जो है मिल जाए वेरीफाई के लिए। यहाँ पे कैप्चा लेटर फिलअप कर दिया है। अगर आपको कैप्चा लेटर समझ में नहीं आता तो यहाँ से आप रिफ्रेश का बटन दबा के यहाँ आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो चलिए, हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। अब ओटीपी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ओटीपी जो है मुझे जनरेट कर दिया गया है। अब ओटीपी आपका जो मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया है उस पे आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए, मेरे पास ओटीपी आया है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। ओटीपी मेरे पास रिसीव हो गया है, तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, और अगर आपने मोबाइल नंबर डाला है और अगर आप ईमेल आईडी यूज करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। तो ओटीपी मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे सबमिट बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है योर आधार नंबर, उसके बाद लास्ट 4 डिजिट आपका आधार नंबर दिखा दिया है, इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड भेज दिया जाएगा। देखिए, मैंने रात में ट्राई किया था तो मुझे आधार नंबर जो मेरा आने में मुझे कुछ 3 से 4 घंटे लगे, बट अभी इमिजिएटली मेरा जो है आधार नंबर मुझे रिसीव हो गया है। तो गाइस, इसी तरीके से आप अपने आधार नंबर को रिसीव कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार नंबर क्या था। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस आपको करना होगा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में सेम ऐसे आपको करना है। ईमेल आईडी पे जैसे ओटीपी जाएगा और आप वहाँ पे शेयर करेंगे, आपके ईमेल पे आपको आधार नंबर आपको भेज दिया जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया कि कैसे आप अपने एनरोलमेंट आईडी और कैसे आधार नंबर को आप चेक कर सकते हैं। चैनल चैनल पे पे पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।